हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और ये करंट अफेयर अप्रैल 2021 के फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड 15 पॉइंट्स हैं, तो काफ़ी ध्यान से इन्हें आप देखिएगा। सबसे पहला हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने जा रहे हैं, CJI ऑफ इंडिया यानी कि भारत देश के मुख्य न्यायाधीश, भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, जस्टिस NV रामन्ना। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये किस क्रम के हैं, तो याद रखना है 148 यानी 148वें ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और जस्टिस NV रामन्ना ने किसे रिप्लेस किया है, तो जस्टिस बोबड़े को। जस्टिस बोबड़े 147th नंबर के CJI थे। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो क्या है कि ये किस हाई कोर्ट में थे, तो इनकी प्रैक्टिस हाई कोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश रही है। ओके, इसके अलावा इनके बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे बताना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि 1957 में इनका जन्म कहाँ हुआ था, जैसे कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर इन्होंने 1983 में एनरोल किया एज ए एडवोकेट एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। मेनली क्या याद रखना है कि ये 148वें क्रम के हैं यानी कि 148 हैं, और भारत में इन्होंने अभी NV रामन्ना ने कौन से मुख्य न्यायाधीश को रिप्लेस किया है, तो जस्टिस बोबड़े को। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि भारत देश में हाल ही में दो ऐसे स्थान हैं जो कि TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जो एक बीमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, उससे पूरी तरह से फ्री यानी कि मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको दिखाई दे रहा है ये है बदगाम। बदगाम कहाँ का जिला है, ये जम्मू कश्मीर का जिला है। ठीक है, तो यदि जिला पूछा जाए किसी राज्य का तो याद रखना है बदगाम जम्मू कश्मीर का, जो कि TB मुक्त हुआ है, और साथ ही भारत देश की UT है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ओके, और लक्षद्वीप हम जानते हैं कहाँ है, ये भारत देश के नक्शे में जो अरेबियन सी का रीजन है, यहाँ अरेबियन सी में हमारी ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो दो जगह है, एक हो गया हमारा लक्षद्वीप और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर का जिला बदगाम। ये दोनों ही भारत देश में पहले ऐसे स्थान हैं जो कि पूरी तरह से TB मुक्त घोषित किए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में WWE के हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है, तो ये बहुत ही जाना माना भारतीय नाम है, द ग्रेट खली। ओके, WWE में हॉल ऑफ फेम में द ग्रेट खली जो कि एक भारतीय है, उनको शामिल करना हमारे भारत देश के लिए काफ़ी सम्मानजनक बात है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो फैक्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड, 51 नंबर का यानी 91वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये किसे दिया गया, तो ये बहुत ही जानी मानी हस्ती है जिनका नाम है रजनीकांत। यहाँ से रिलेटेड ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो है ही, साथ में पूछा जा सकता है कि कब शुरुआत हुई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड की, याद रखना है 1969 में, और सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, देविका रानी को। और आपको याद, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 50वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसे दिया गया था। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंडिया ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो रैंक हासिल की है उसका है रैंक 140 यानी 140वां रैंक। 156 देशों में 140वीं रैंक हमारे भारत देश ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हासिल की। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब देंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारी इसमें और हम 28 पायदान पीछे चले गए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस को वहाँ की भाषा में उत्कला दिवासा भी कहा जाता है और ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हमें पता है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है
और भारत देश का ये कोस्टल एरिया है जो आपको यहाँ पे नक्शे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे लिए। अगला है हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे, हाल ही में 100% पूर्णतः विद्युतीकृत घोषित किया गया है। ये पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है, हमें पता है जबलपुर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अब आपके लिए होमवर्क है कि हमारे जो बाकी यहाँ पर रेलवे सेंट्रल जोन है, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे हो गया, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे हो गया या फिर वेस्टर्न रेलवे हो गया, इन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है, इनके हेडक्वार्टर्स को याद रखना है, ओके। ये आपका होमवर्क है और आप इस ट्रिक के थ्रू काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं। कभी मिसलेनियस में मैंने टॉपिक बनाया तो अनडाउटेबली मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी भारत देश में 18 रेलवे जोन हो चुके हैं, आपको सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको याद रखना है, और मेनली याद रखना है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि जो हमारा पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन है वो 100% फुली इलेक्ट्रिफाइड हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गुड एंड सर्विसेज यानी GST टैक्स से रिलेटेड, जिसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि अभी तक में बहुत ज़्यादा कलेक्शन यहाँ से प्राप्त हुआ है जो है 1.23 लाख करोड़ रुपीज़, ओके। ये GST जब से बना है तब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है, क्वेश्चंस के लिए हर एग्ज़ाम में आता है। और क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले GST कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, तो फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ था। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि भारत का GST मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा यानी कैनेडियन मॉडल पर आधारित है हमारा इंडियन GST। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है किस समिति की रिकमेंडेशन पे GST भारत में बनाया गया, तो हमारे देश में विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे GST को यहाँ लागू किया गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब GST भारत में इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 में। और लास्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसने कि GST को लागू किया है, और इसका आंसर है असम, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे फैक्ट काफ़ी अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड, विश्व का लगभग सबसे बड़ा, सॉरी विश्व नहीं कहेंगे, अभी ये बनने जा रहा है, ओके, अनाउंसमेंट हुआ है कि तैरता हुआ भारत का सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। इसका आंसर है तेलंगाना में, ओके। हमें पता है कि तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और हमारे देश का एक नया राज्य 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट है कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया है, ये है आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन, इन्होंने कलिंग रत्न अवार्ड को रिसीव किया है, ओके। नेक्स्ट है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन फोर्ब्स लिस्ट से। फोर्ब्स की जो अनियल वर्ल्ड विलेनियर लिस्ट है यानी कि विश्व के जो अमीरों की प्रतिष्ठित एक सूची जारी होती है, ये 35वें क्रम में जारी हुई, तो सबसे अमीर जो विश्व पर हैं वो कौन है, जेफ्स बेजोस जो हैं, ये अमेजोन में क्या है, टॉप विलेनियर है यानी कि वर्ल्ड में सबसे टॉप अमीरों में शामिल हैं। और मेन चीज़ याद रखना है कि मुकेश अंबानी भी यहाँ पर 10th रैंक पर हैं और वो एशिया के अभी भी सबसे अमीर व्यक्तियों में मिलेनियर्स में गिने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट हमें याद रखने होंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या है, विश्व जो ये थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की, ये है लेट्स बिल्ड अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये याद रखनी है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बेजोसवा ओस्मानी, ये हाल ही में किस देश की प्रेसिडेंट बनी है, देश का नाम है ओसोवो, नाम है प्रेसिडेंट का बेजोसवा ओस्मानी, और ये बेजोसवा ओस्मानी 38 ईयर ओल्ड लेडी हैं, प्रोफेसर रही हैं लॉ की, और आप इसका लोकेशन इस कंट्री का देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में
ओके, इसको एनालाइज जरूर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट वन, हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास, जो हाल ही में श्री हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे रिलीज किया है। इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो ओडिशा इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ये कहीं जो ओडिशा है उसके आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं और गांधीवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, और इसी बुक का, ओडिशा इतिहास का हिंदी वर्जन हाल ही में रिलीज़ किया गया है हमारे पीएम द्वारा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स। इसी तरीके इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स और पॉइंट्स के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। इनको मेमोराइज़ कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स ढूंढिए। आपको याद होगा एक मैंने पूछा है 50वां जो 58 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसे दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन था आपका रेलवे हेडक्वार्टर्स जो हैं, हमारे सभी रेलवे हेडक्वार्टर्स के नाम याद करने हैं। होप सो आपको ये स्लाइड अच्छी लगेगी और करंट अफेयर काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।